आम समाज और आम संस्कृति आउ एक एपिसोड को स्वागत करुछि मु प्रदीप। आज आलोचना विद्यानगरी खंडपड़ा राजवंश। राजा जदुनाथ मंगराज 1599 ख्रीष्टाब्दे दस खंड पड़ा को एकत्र करी उत्कल गंगाकूल जो खंडपतन राज्य सृष्टि करते अनुपम प्राकृतिक शोभाराजी विमंडित था। जदुनाथ मंगराज शासन पर ठार् अनेक भौगोलिक परिवर्तन एही पहाड़ी राज्य में घटी जाइछि। आम देश स्वाधीन होला बेलकू यह ओडिशार 26 गोड़जात मध्यरु अन्यतम थिला। एही राज्यर परिसीमा 244 वर्ग माइल अंचल। पूर्व दिगरे बांकी एवं खोर्धा राज्य, पश्चिम रे दशपला, दक्षिण रे नयगढ़ एवं उत्तर रे महानदीर अपर पार्श्वरे थिबा नरसिंहपुर और बड़म्बा राज्य एहार सीमा थिला। तत्कालीन ओडिशारे गोड़जात राज्य मानकर भौगोलिक स्थिति किपरी थिला ताहा जदुनाथंक खंडपतन राज्य को अनुधन कले सहजरे जना पड़े। गोड़जात राजा माने मुख्यतः धर्म भीरु थिले। सेमानंक जय एवं पराजय, शांति रे शासन करिवार श्रेय विभिन्न देवादेवी को सेमाने देउथिले। निज राज्यर सीमांत अंचल मंदिर प्रतिष्ठा करी तार रक्षा दायित्व सेठारे प्रतिष्ठित देवादेवी उपरे अर्पण करुथिले। तेणु एही सुंदर गड़टी प्रतिष्ठा करिबा परे राज्यर चतुर्दिगरे चारि ठाकुराणी को प्रतिष्ठा करी जदुनाथ मंगराज पूजार्चनार व्यवस्था करिथिले। दक्षिण पूर्व दिगरे माँ उमादेवी, दक्षिण पश्चिम माँ महिषासुणी, उत्तर पूर्व कोण में माँ पाटचंडी एवं उत्तर पश्चिम कोण में माँ सुलिया ठाकुराणी आस्थान गड़ प्रतिष्ठा समय जदुनाथ मंगराज करिथिले बोली जनश्रुति रही। माँ सुलिया ठाकुराणी त्रिशूलधारिणी चंडिका कथित अछि ठाकुराणी को उग्रता अधिक हेबारु आख पाखरे जनबसति रही पारा ना। ठाकुराणी को उग्रता प्रतिहत करिबा पई राजतांत्रिक मानकर मतामत नहीं अनंत शक्तिमान शिवंक अवतार स्वरूप हनुमान को माँ को निकट रे अन्य एक मंदिर रे स्थापन करिथिले। किंवदंती अनुजाई एहा परे माँ सुलिया ठाकुराणी को उग्रता ह्रास पाइथला एवं माँ करुणामयी पलटी जाइथिले। राज्य स्थापन पर जदुनाथ मंगराज 8 स्थान में जगन्नाथ दधिभावन मूर्ति एवं 6 स्थान में तृतीया देव अर्थात जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति स्थापन करते। जो समय जदुनाथ मंगराज यह राज्य प्रतिष्ठा कले से आम भारतवर्ष दिल्लीश्वर आकबर राजत्व चलता। 1568 मसीह ओडिशार शेष स्वाधीन राजा मुकुंददेव गुहिरा टिकिरी युद्ध में आफगान मानक हाथ में परास्त होगा परे ओडिशार स्वाधीनतार सूर्य सबुदिन अस्तमित होगला। धूलिसात हो सारी ओडिशार गर्व एवं गौरव, अतीतर गौरवर प्रेत छाय हो रही जाता आमर ही जगन्नाथ भूमि। कला पहाड़ आक्रमण में थरी उठुला प्रति ओडियार छाती। यहपर ओडिशा आफगान मोगल और मरहट्टा शासन अधीन शासित होला। जेपर्यंत कर ठीक भाव मिलूला यह शासक मैंने आभ्यंतरण गड़जात राज्य को आक्रमण करुन तार शासक को गादीच्युत करुन बा शासन कार्य हस्तक्षेप करुन। ओडिशा जितेबाला स्वाधीन थिला अर्थात 1568 मसीह पूर्व गजपति महाराज स्वाधीन एवं सार्वभौम थिले एवं समय रे ओडिशार गड़जात राजा माने गजपति पारिदंड बा सेवक भाव रही धार्य होता कर देउथिले एवं निज निज राज्य भितरे सार्वभौम शासन अधिकार उपभोग करुथिले। सेमानंक शासन कार्य गजपति विशेषतः हस्तक्षेप करुनथिले। ओडिशा पराधीन होला परे मध्य आफगान मोगल और मरहट्टा शासक माने सीधा सड़क यही राज्य मानक कर आदाय करुथिले। ब्रिटिश शासन समय यह गड़जात राजा माने धार्य करिथिबा कर बा पेस्किस सीधा सड़क गोरा सरकार को दे करद राज्य भाव में परिगणित होउथिले। जदुनाथ मंगराज तांकर राजत्व समय कर सीधा सड़क मोगल बादशाह को देउथिले एवं जगन्नाथ धर्म और संस्कृति अनुजाई ठाकुर राजा गजपति महाराज पारिदंड बा सेवक भाव कार्य करुथिले। जदुनाथ मंगराज तांकर दीर्घ राजत्व काल में 5 गजपति पारिदंड भावे खंडपड़ा शासन करिछंती। सेमान हेले गजपति अभिनव इंद्रद्युम्न,
1568 ରୁ 1600, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 1600 ରୁ 1621, ନରସିଂହ ଦେବ 1621 ରୁ 1647, ଗଜପତି ବଳଭଦ୍ର ଦେବ 1647 ରୁ 1657 ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 1657 ରୁ 1699। 1599 ମସିହା ଠାରୁ 1947 ମସିହା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତ୍ରେ 13 ଜଣ ବଘେଲ ବଂଶୀ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦୁନାଥ ସିଂହ ମଙ୍ଗରାଜ 1599 ରୁ 1674, ନାରାୟଣ ସିଂହ ମଙ୍ଗରାଜ 1674 ରୁ 1707, ବାଲେଙ୍କେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗରାଜ 1607 ରୁ 1720, ବନମାଳୀ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1720 ରୁ 1730, ବୈରାଙ୍ଗୀ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1730 ରୁ 1765, ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1765 ରୁ 1799, ନୃସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1799 ରୁ 1810, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1810 ରୁ 1817, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1817 ରୁ 1837, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1837 ରୁ 1866, ନଟବର ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1866 ରୁ 1905, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1905 ରୁ 1922, ହରିହର ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ 1922 ରୁ 1947। ଏହା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଇତିହାସରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଉପରୋକ୍ତ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ସାଙ୍ଗିଆ ସିଂହ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମର ବରରାୟ ଉପାଧି ନିଜ ନାମ ପଛରେ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ଉପାଧି ରାଜା ବନମାଳୀ ସିଂହଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନାମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସିଂହବଲୋକନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିସର୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଖଣ୍ଡପତନର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।